टू माई चैनल। और आज की पोएम बहुत ही अच्छी है, द डॉल्स गोइंग। एंड इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि यूट्यूब में इसके बारे में कहीं नहीं दे रखा है, ना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे खुद से समझना पड़ रहा था। बट अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना और कोशिश करना, बहुत ईजी है, आराम से समझ जाओगे। सो बेसिकली इसमें मेन तीन कैरेक्टर होते हैं, ईगन फील्ड जो कि पोएट है, उनकी डॉटर, ये उनकी रियल डॉटर नहीं है, मैंने गूगल से निकाला है, ये 5 ईयर्स की है, और ये जो 5 ईयर्स की गर्ल है, इसकी एक डॉल है, तो वो क्या उस डॉल को अपनी बेटी मानती है बेसिकली। तो इसमें वही दिखाया है कैसे, जैसे हम बचपन में गुड्डा गुड्डिया खेल खेलते थे, वैसे ही यहाँ पर ये लड़की खेलती है, और पूरा उसको दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है, और कैसे इसने सब कुछ हैंडल किया। तो यहाँ पर पोएट के बारे में लिखा है, मैं किसी भी पोएम में पोएट के बारे में बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ बेसिकली समरी समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप खुद से 2 लाइन में लिख लेना, तो बहुत ज़्यादा टीचर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि आपको पोएट या ऑथर के बारे में पता है। तो यहाँ पर सब यही लिखा है, कब वो उनका जन्म हुआ था, कब फिर उनकी डेथ हुई, और वो कितने अच्छे राइटर थे, ये सब लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। द लिटिल फ्रेंड डॉल वॉज अ डियर लिटिल डॉल ट्रिक्ड आउट इन द स्वीटेस्ट ऑफ ड्रेसेस। तो यहाँ पर ट्रिक्ड आउट का मतलब है किसी को ड्रेस करना। तो वो जो छोटी सी डॉल, बेसिकली यहाँ पर ईगन फील की डॉल डॉटर को भी डॉल बोला गया है, वो क्योंकि वो 5 ईयर्स की, बहुत छोटी सी क्यूट सी, और डॉल तो हमेशा क्यूट से होते हैं, व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर की भी होते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं, कलर डजेंट मैटर ऑब्वियसली। एंड उनके पिंक लिप्स होते हैं, पिंक चीक्स होते हैं, डॉल बहुत सुंदर होते हैं। तो उसके वजह से इसमें उसने अपने जो डॉल को है बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस कर रखा है। मैंने यहाँ पर लास्ट में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चंस भी दे रखा है, तो हम उसको देख के भी अच्छे तरीके इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में तो ये था कि उसने अपने डॉल को, 5 ईयर्स की गर्ल ने अपने डॉल को बहुत ही अच्छे तरीके ड्रेसेस पहना के रखा है, बहुत ही सुंदर लग रही है वो, और हर आइज वो ऑफ ह्यू, बहुत ही सुंदर कलर की उसकी आंखें हैं, ह्यू मतलब कलर होता है, एंड द मोस्ट डेलिकेट ब्लू, तो जो उसकी आइज है वो ब्लू कलर की है, द डार्क एज द नाइट वो हर ड्रेसेस। तो यहाँ पर जो यहाँ पर डार्क एज अ नाइट बोला गया है, जैसे नाइट नाइट बहुत डार्क होती है, पूरा डार्क होता है, तो वैसे ही उस डॉल के जो जो उस डॉल के हेयर हैं, वो हेयर बहुत ही डार्क कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, और बहुत ही सुंदर है। फिर नेक्स्ट लाइन में, हर डियर लिटिल माउथ वॉज फ्लूटेड एंड रेड। सो यहाँ पर फ्लूटेड का मतलब क्या होता है, जब हम बांसुरी बजाते हैं तो हमारा मुंह बनता है ना पाउटी टाइप का, बहुत छोटा सा क्यूट सा बन जाता है, तो वैसे यहाँ पर डॉल का जो लिप्स हैं वैसे वो फ्लूटेड टाइप के हैं और रेड कलर के हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड दिस लिटिल फ्रेंड डॉल वॉज अ सो वेरी वेल ब्रेड। सो यहाँ पर वेल ब्रेड का मतलब है कि बहुत ही अच्छे तरह उसको बॉन्ड, मतलब उसको बहुत ही अच्छे तरह संभाला है, उसकी जो 5 ईयर्स की जो लड़की है उसने बहुत ही अच्छी अच्छी आदतें सिखाई हैं, बहुत ही अच्छे घराने से है। तो वो जो डॉल है वेल कल्चर्ड मैनर, बहुत ही अच्छे जगह से है, अच्छे घर से है, तो बहुत ही अच्छी है वो, ठीक है। दैट वेन एवर एकॉस्टेड हर लिटिल माउथ सेड मामा मामा, तो एकॉस्टेड मतलब किसी को बुलाना। सो वो अपनी जो उसकी मॉम को है वो ऐसे बुलाती थी मामा मामा करके। यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो फीमेल डॉल है, जो कि लड़की की जो 5 ईयर्स गर्ल, 5 ईयर की जो गर्ल है उसकी जो डॉटर है उसके बारे में बात किया है, और यहाँ पर अब हम मेल डॉल की बात करेंगे। तो बेसिकली एक रोमांटिक पोयम है जो एक मेल और फीमेल डॉल के ऊपर है। तो यहाँ पर स्टॉकिनेट डॉल का मतलब क्या होता है, स्टॉकिनेट का मतलब होता है बैंडेज, ठीक है। तो यहाँ पर द स्टॉकिनेट डॉल विद वन आर्म एंड वन लेग, क्योंकि उस डॉल की वन आर्म नहीं था, वन लेग नहीं था, तो वो जो पट्टी बांधी होती है ना दूसरे हाथ में ऐसे करके कुछ, तो वैसा वो डॉल था। एंड हैड वंस बीन अ हैंडसम यंग फेलो, तो एक टाइम पे वो बहुत हैंडसम हुआ करता था और बहुत ही स्मार्ट था, बट नाउ ही अपीयर्ड रादर फ्राउजी एंड ब्लियर। तो फ्राउजी मतलब जो लेस अट्रैक्टिव होते हैं अपियरेंस वाइज, जिनको देख के हमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा लगता है हाँ ठीक ठाक से है पर ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। एंड ब्लियर्ड, लाइक ब्लियर्ड मतलब डिम होता है, जैसे कुछ लोग बहुत सुंदर होते तो हम बोलते हैं जैसे ये तो लाइटन अप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, बट वो डिम सा था, इतना स्मार्ट अब वो नहीं था। क्यों, क्यों वो हम जानते हैं, इन हिज टॉर्न रेजिमेंटल्स ऑफ येलो। रेजिमेंटल्स मतलब बेसिकली जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो रेजिमेंटल्स होती है। तो रेजिमेंटल्स क्या, उसकी फट चुकी थी, ठीक है। बेसिकली वो एक सोल्जर था और एक वॉर में उसका मे बी कुछ कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर नहीं था,
येट हिज हार्ट गेव अ क्यूरियस थंब एज ही ले. थंब का मतलब होता है यहाँ पर एक स्ट्राइक मिलना सडनली. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो इन द लिटिल टॉय कार्ट नियर द विंडो वन डे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो डॉल था वो विंडो के पास था एक लिटिल टॉय कार्ट में, तो उसको एक आवाज आती है एंड हर्ड द स्वीट वॉइस ऑफ दैट फ्रेंच डॉल से मामा मामा. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसको एक बहुत सुरीली सी आवाज आती है मामा मामा कहते हुए, तो उसका जो दिल है वो धड़कने लग जाता है, बेसिकली स्ट्राइक करता है. ठीक है, नाउ अब जो थर्ड स्टैंजा है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या होता है. ही लिसन सो लॉन्ग एंड ही लिसन सो हार्ड दैट एनन ही ग्रू एवर सो टेंडर. सो यहाँ पर एनन का जो मतलब है वो है सून, ओके, शॉर्टली. सो उसने बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही देर तक सुना उस आवाज को, और बहुत सोचा उसके बारे में. एंड दैट एनन ही ग्रू एवर सो टेंडर, तो उसके अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि आवाज है किसकी, इतनी सुंदर इतनी सुरीली आवाज, ये है किसकी. फॉर इट्स एवरी वेयर नोन दैट द फेमिनिन टोन, इससे उसको ये तो पता चल गया था कि वो किसी फीमेल की आवाज है, क्योंकि इतनी प्यारी इतनी सुरीली, बेसिकली लड़कियों की आवाज ज्यादा सुरीली होती है एज कम्पेयर टू लड़कों से. सो गेट्स अवे विद ऑल मैस्कुलिन जेंडर. ही अप एंड ही वूड हर विद सोल्जरली जेस्ट. तो यहाँ पर वूड का जो मतलब है वो है सीक द फेवर और सपोर्ट. ओके, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ. पहली बात, गेट्स अवे विद ऑल मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ पर इसका मतलब है कि इतनी सुरीली इतनी सुंदर आवाज थी वो कि कोई भी लड़की उस आवाज से अट्रैक्ट हो जाए और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाए कि आखिर ये है कौन. ही अप एंड ही वूड हर विद सोल्जरली जेस्ट. वो खड़ा हुआ सपोर्ट से बहुत ही एनर्जी के साथ. एंड बट ऑल शी हैड रिप्लाई टू द लव ही प्रोफेस वर दीज प्लेंटेटिव वर्ड्स, वही सेम वर्ड जो कि आपने गेस किया होगा, विच परहैप्स यू हैव गेस्ड, मामा मामा. अब इसमें जो होता है, क्या होता है कि वो जो फीमेल डॉल है जो मेल डॉल है, दोनों दूसरे से प्यार करते हैं. ठीक है, जैसे वो बहुत ही, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है तो डॉल को भी उससे प्यार हो जाता है. उसमें इतनी एनर्जी होती है, उसके अंदर कोई शर्म नहीं होती कि मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे प्रपोज करूँगा, क्योंकि मैं तो इतना सुंदर हूँ नहीं. बट जो उसके दिल में था वो उसने बोल दिया जाके, तो उसके अंदर बहुत गट्स है. तो इस वजह से जो फीमेल डॉल होती है वो इम्प्रेस हो जाती है. अब यहाँ पर जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें होता है उस लड़की के बारे में जो कि ईगन फील्ड की डॉटर है, बेसिकली इस डॉल की मदर. सो हर मदर, अ स्वीट लिटिल लेडी ऑफ 5, जैसे कि मैंने बताया था कि वो 5 ईयर्स की है, वो वाउटसेफ्ट हर पेरेंटल प्रोटेक्शन. वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी को लेके, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और हर पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होता है. तो यहाँ पर वो एंड ऑल दो स्टॉकेनेट वॉजन ब्लू ब्लडेड येट, सॉरी, एंड ऑल दो स्टॉकेनेट वॉजन ब्लू ब्लडेड. सो यहाँ पर ब्लू ब्लडेड का मतलब है कि जो अच्छे घर से नहीं है या फिर गरीब परिवार से है, जो रॉयल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डॉल जो है वो रॉयल है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, बट जो मेल डॉल है वो ब्लू ब्लडेड नहीं है. येट शी रियली कुड मेक नो ऑब्जेक्शन, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाई, उसने मना नहीं किया. वो रेडी हो गई अपनी डॉटर की मैरिज के लिए. एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत जगह होता है कि फैमिली नहीं कर पाती है लव मैरिज, बिकॉज क्योंकि उनके पास बहुत टेंशन होती है कास्ट को लेके, सोसाइटी को लेके. बट यहाँ पर दिखाया गया है वो छोटी सी है, सिर्फ 5 साल की है, फिर भी इतनी समझदार है कि उसने अपनी बेटी का प्यार समझा और उसने उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो रेडी थी. फिर यहाँ पर आता है, सो सोल्जर एंड द डॉली वर वेडेड वन डे एंड अ मोमेंट एगो एज आई जर्नी दैट वे आई एम श्योर दैट आई हर्ड अ वी बेबी वॉइस से मामा मामा. तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत क्यूट तरीके से ईगन फील्ड ने मेंशन किया है कि जो सोल्जर होता है और जो डॉली होती है उसकी डॉटर की, जो डॉल है होती है, उन दोनों की शादी हो जाती है, और कुछ समय बाद, कुछ वक्त बीतने के बाद, उनकी एक छोटी सी बेटी होती है
जो कि वो बोलती है मामा मामा। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है गेन पेन ने। सो आई होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।